जी करता है कि सारी की सारी तेरे सर में घुसेड़ दूं। कुछ करने से पहले सच्चाई नहीं जानना चाहोगे? सच, मैं नहीं जानता था कि ये करण आपका छोटा भाई है। उससे तो गलती हुई, लेकिन जो आपने किया उसे मैं क्या कहूं? गलती या फिर ताकत की नुमाइश? क्या बकवास कर रहा है तू? बाहर सुनसान, जिस बाबा के नाम की दुहाई देते थे वही सूरज लोगों के आंसुओं में डूब गया। एक की गलती और सजा इतने सारों को। जला दिया सारे घर, फूंक दी बस्ती। क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रहे? मरना चाहता है क्या? अगर आपको लग रहा है मैं बक रहा हूं तो अपने आदमियों से पूछो। अनीस, शेटी, ये जो कह रहा है सच है क्या? हाँ हाँ भाई, करण का खून देख के अपना खून खोल उठा, अपने से बर्दाश्त नहीं हुआ। कल दो टके के बस्ती वाले के सामने इतना गिर गिरा है, फिर भी आपका मान नहीं रखा। बस गुस्सा है अपने को, जला दिया। दो टके की हरकत तुम लोगों ने की है? क्यों कमजोर कर रहे हो मुझे? हाँ क्यों कमजोर कर रहे हो मुझे? इसे मैं इन लोगों की बेवकूफी समझू क्या? इनके प्यार का जज्बा काम इन्होंने किया है, लेकिन उंगलियां मेरी तरफ उठेंगी। मैंने जो किया आपने सूद समेत वापस कर दिया। आपके एक शौक की कीमत हमारी कई छतों की कीमत है। सोचा था हिसाब बराबर कर दूंगा। हिसाब, कीमत, सूद, बस ऐसी छोटी बातें कर सकते हो तुम? मेरे भाई के खून का एक एक कतरा, एक एक आंसू, एक एक चीख, क्या उन सब की कोई कीमत नहीं है? मैं जानता हूं कि तेरा भाई जख्मी हुआ है, उसके दर्द का एहसास है मुझे। काश काश मैं तेरी जगह होता, आता मारता तोड़ता फिरता और हाथ फैला के खड़ा हो जाता। अपने आप को मेरे हवाले करके मुझे भीख दे रहे? इन हाथों से मारा था ना मेरे भाई को, जी चाहता कि उखाड़ दूं इसे। लेकिन बख्शा, तुझे तो हिसाब करना आता ही कहां है, ये जिएगा। लेकिन इसे भी करण के जख्मों का एहसास होना चाहिए।